हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और फिल्मी टॉपिक की, जो है प्यार। जी हाँ, प्यार आज का सबसे ट्रेंडिंग एस्पेक्ट है, जो कि हमारे सोसाइटी में हर जगह देखने को मिल जाता है, चाहे वो LKG का बच्चा हो और चाहे वो हमारे दादाजी। इनफैक्ट मैं किसी के दादाजी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ये ट्रेंड है आज के सोसाइटी का। तो अब प्यार तो हो जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें पता कैसे चले कि वो हमसे प्यार करता या करती है। तो लड़कों, ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे पता चले कि वो लड़की जिसे आप पसंद करते हैं वो आपसे प्यार करती है या नहीं। लड़कियां बड़ी छुपी रुस्तम होती हैं, लेकिन लड़कियां इतनी भोली होती हैं कि उनके कुछ हाव भाव से बहुत आसानी से पता चल सकता है कि वो आपको प्यार करती हैं, वो आपको पसंद करती हैं या नहीं करती हैं। जैसे कि ये बहुत कॉमन है, अगर आप कहीं किसी कैंटीन में बैठे हैं और कोई लड़की आपको पॉइंट आउट कर रही है, वो बार बार आपको देख रही है, मींस शी इज इंटरेस्टेड इन यू। लड़कियां जिसको पसंद करती है ना, अक्सर वो अपने ग्रुप में उसी के बारे में बात करना पसंद करती हैं। तो अगर आप उन लड़कियों के किसी भी फ्रेंड को अपनी फ्रेंड बना ले, टू थर्ड पर्सन, तो आपको आसानी से पता चल सकता है कि वो लड़की आपको पसंद करती है या नहीं करती है। नंबर दूसरे में हम इस बारे में बात करेंगे कि केयर। जी हाँ, लड़कियों की एक बहुत बेकार आदत है कि जिसे वो पसंद करती है उसकी वो बहुत केयर करती है। तो अगर कोई लड़की आपकी छोटी छोटी बातों में आपकी केयर करे, आपको बार बार फोन करके पूछे, आपको सही या गलत बताए, आपको अपना सुख दुख बताए, तो मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन यू, मींस वो आपको पसंद करती है। लेकिन प्लीज इसे प्यार के साथ मिसमैच मत कर दीजिएगा। हो सकता है वो आपको अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन होप तो है। नंबर तीसरा कि अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको ये पता करना है कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है कि नहीं, तो बहुत आसान है। आप किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करिए। आई एम श्योर गाइज, अगर वो आपको सच में प्यार करती होगी ना, तो उसे बहुत बेकार वाली जेलसी होगी। क्योंकि कोई भी, इनफैक्ट हम ही अगर किसी को पसंद करते हैं, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो किसी और इंसान से बात करे। नंबर पांचवा, अगर कोई लड़की आपके किसी भी बात पे गुस्सा हो जाए और फिर खुद ही उस बात को समझ के आपके पास आए, मींस वो लड़की आपसे दूर नहीं रह सकती, वो लड़की आपसे झगड़ा करके नहीं रह सकती, तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी होप है। वो आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह सकती। अगर आपको ये सारे थॉट्स अपने आसपास कहीं होते नजर आए, तो प्लीज देयर इज अ होप, जाइए और देखिए, क्या पता आपका पार्टनर आपको मिल जाए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।